अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कनाडा के एक और नए प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट इजाज़ अकबर हाजिर खिदमत है। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितना खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती ये है कि आपसे लोग कितना खुश हैं। कोशिश करें कि लोगों को खुश करें, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करेगा। हम आज बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे अपने मेहमान के जो हमारे दरमियान हैं, कि उन्होंने अपनी मसरूफ जिंदगी से हमारे लिए टाइम निकाला। हम इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं मोहतरमा सबिया अख्लाक साहबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको सबिया बाजी कह सकता हूँ? बेशक। सबिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले ये बताएं कि आपके दिन का आगाज किस तरह होता है सुबह? ये मेरे दिन का आगाज, कभी खुश नसीबी होती है तो तहज्जुद से हो जाता है, अगर आँख कभी नहीं खुलती तो फजर की नमाज से तो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर हम मेरा फौरन ही काम शुरू हो जाता है। और अपनी फाउंडेशन के हवाले से मैं मैसेजेस चेक करती हूँ, उनके जवाब देती हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन के मेंबर्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हमारे चैप्टर्स हैं, यूके चैप्टर है, यूएस चैप्टर है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, पाकिस्तान है, दुबई है, सऊदी अरेबिया वगैरह से मैसेजेस आते हैं, उनको देखना, अटेंड करना। उसके अलावा पाकिस्तान में भी डिजिटल पाकिस्तान एक अदारा है, उस हवाले से मैं उनके साथ भी काम कर रही हूँ और उनकी मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं उनकी, 8 से 9, 9 से 10, तो वो उन दोनों में मैं शामिल होती हूँ ताकि मैं कुछ सीखूँ भी और अपने काम के मुताबिक भी बताऊँ। तो इस तरह 10 बजे तक तो टोटली बिजी होती हूँ, फिर उसके बाद अपने दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह, मैं बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को कि सबिया बाजी जो हैं ये हमारे बहुत प्यारे अजीज़ भाई शहीद सैयद अली रज़ा आबदी साहब की जो वालदा भी हैं, और SSARA शहीद सैयद अली रज़ा आबदी फाउंडेशन की जो हैं वो फाउंडर भी हैं। तो इतने सारे मसरूफियत के बावजूद ये कहाँ से दिमाग में आया कि इतनी सारी खिदमत करें, एक फाउंडेशन बनाएँ और अवाम की खिदमत करें, जबकि इतनी मसरूफियत लाइफ आपने वैसे ही बता दी है माशाल्लाह कि 10 बजे तक इतनी मसरूफ़ हैं आप, जहाँ हम सो रहे होते हैं आधे ज़्यादा हमारी अवाम, तो ये किस तरह दिमाग में आया? जी, ये जब मेरे बेटे को घर के दरवाजे पर गोलियां मार के शहीद कर दिया गया, मैं अपनी गोदी में उसको हॉस्पिटल लेके गई, खूनम खून, और मेरी आंखों के सामने उसकी गर्दन का जख्म था और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, आप सोच सकते हैं मेरे पे क्या गुजरी होगी। और फिर उसकी तदफीन हुई है 26 को, और 28 को मैंने प्रेस क्लब में, ये एक विजिल था, वहाँ ये अनाउंस कर दिया था कि आप लोगों ने उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की, जो भी वजह रही होगी, लेकिन आप बेफिक्र रहे हैं, उसे रास्ते से नहीं हटाया जा सकता। मैं खड़ी हूँ ना, जो काम वो कर रहा था मैं उसका काम जारी रखूँगी और उसका नाम और उसकी खिदमत और ज़्यादा आगे जाके बढ़ेगी, जो शमा उसने रोशन की थी अब वो मशल बनेगी और पूरी दुनिया में फैलेगी, और वही दुनिया देख रही है कि जिस जज्बे से मैंने ये काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत तरक्की भी हो रही है और लोग मेरे साथ मिल भी रहे हैं, तआवुन भी कर रहे हैं, डोनेशन भी देते हैं, वॉलेंटियर भी होते हैं, काम भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जो है शहीद सैयद अली रज़ा आबदी फाउंडेशन जो है ये चल रही है, ये रजिस्टर्ड भी है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड भी है, ये ऑडिटेड भी है, हर हिसाब से क्लियर है, हमारे सारे हिसाब किताब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लीगल और क्लियर है सारी चीज़ें माशाल्लाह। और मैं खुद देख रहा था आपके सोशल मीडिया में, और माशाल्लाह के इतने सारे लोग, आपने वो इस कहते हैं ना कि एक कदम बढ़ाएं बाकी लोग, वो काफिला बढ़ता चला जाता है। तो ये बताएं हमें, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे अभी काम हो रहा है, और सबसे जो आपके माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कोई जो खास प्रोजेक्ट जिस पर ज़्यादा काम हो रहा है उसके बाद? असल में हमने 4 SDGs को सेलेक्ट किया था, और SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिसमें फूड, हेल्थ और एजुकेशन और पीस एंड हार्मनी। फूड के हवाले से ये है कि तकरीबन 3 साल होने को आए और अल्हम्दुलिल्लाह पेंडेमिक में हमने सैकड़ों राशन रोज़ाना लोगों को जो है वो दिए हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया था तो जो डेली वेजेस वाले थे वो नहीं कमा सकते थे, और उसके अलावा अब भी हम जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, यतीम बच्चे हैं या जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, राशन मंथली हम उनको देते हैं, उसके बाद बच्चों की फीसें देते हैं, और उसके बाद जो बच्चियाँ बेसहारा हैं, यतीम बच्चियाँ, उनकी शादियों के लिए
ज़रूरी सामान और कपड़े वो देते हैं, फिर बच्चों की इलाज मुआलजे की जो सहूलत होती वो, और फिर सबसे बड़ा जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है साफ़ पानी की फराहमी। जो मैंने इंटीरियर सिंध में 40 से ज़्यादा कुएँ खुदवाए हैं, और उन इलाकों में जहाँ पे पानी नहीं था, लोग बहुत मुझे मैसेजेस भेजते हैं दुआओं के और शुक्रगुजारी के कि वहाँ पानी पहुँच गया है, कि जो लोग मीलों मील जाके औरतें अपने सर के ऊपर मटके रख के या बाल्टियाँ रख के, और वो पानी साफ भी नहीं होता था जो अपने घरों को लेकर आती थी। और मैंने इंटीरियर सिंध में वॉशरूम्स भी बनवाए हैं लेडीज़ के लिए, और वहाँ पे खाने वाने का भी इंतज़ाम होता रहा। अल्लाह की मदद से बहुत ये काम फैल गया और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से। माशाल्लाह, ये मैं एक चीज़ व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि मैं खुद इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आए कि हमें सपोर्ट चाहिए, और हम इस फाउंडेशन के बारे में उनसे जिक्र किया, और जब हमने उनसे फीडबैक लिया तो यकीन माने सबका जवाब यही था कि जितना हमने सोचा था अल्लाह ने इन्होंने हमसे उससे ज़्यादा हमारी हेल्प की। तो बाजी ये बताएं कि अगर कोई लड़के या कोई नए लोग या अगर कोई वॉलेंट्री या फिर किसी तरह सपोर्ट करना चाहें इस फाउंडेशन को, क्या प्रोसीजर उसका? देखिए, उसके कई प्रोसीजर्स हैं। एक तो मैं ये बताऊं कि मुझे लगता है पूरे कराची में मेरा फ़ोन नंबर फैल गया है। बड़ी दिलचस्प बात होती है जब और लोग मुझे मैसेज भेजते हैं या फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हम बस में बैठे हुए थे और मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने साथ वाली औरत को मैंने अपनी परेशानी बताई, उसने मुझे आपका नंबर दिया, उसने कहा कि यहाँ फ़ोन करो, यहाँ से ज़रूर तुम्हें मदद मिलेगी। इस तरह ये सब कुछ अल्लाह ताला के काम है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ ये भी तौफीक भी परवरदिगार आलम की दी हुई तौफीक है, और उसके हवाले से जो लोग मेरे साथ मिल रहे हैं वॉलंटियर, जैसे आपने अभी पूछा, मुझे मुखलिस वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो कि बग़ैर किसी गरज के मेरे साथ काम करें, अपना टाइम दें, अपनी एनर्जी दें। और अगर कोई, जाहिर है कि फ़ंड्स की तो हर वक्त ज़रूरत रहती है, जिस हवाले से हम लोग मुझसे रबते करते हैं, अभी तक तो मैं अपनी फैमिली के की फंडिंग से सारा काम कर रही हूँ या अपनी जेब से कर रही हूँ, और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी कस्म की मदद नहीं मिली है, हालांकि मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा काम इतना ट्रांसपेरेंट, इतना साफ़ सुथरा है। और आप जिससे भी पूछेंगे, जिसने भी हमसे रबता किया, चाहे वो पीनट हो चाहे वो छोटा सा हो, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम उसकी मदद करें। तो मैं समझती हूँ लोगों को आएँ और अपने फंड्स के हवाले से भी मदद करें और वॉलेंटियर भी करें और हमारी बात सुने। अच्छा, एक जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ, नौजवानों की तरबियत करना, उनको शऊर और आगही देना और उनको बेदार करना, उनको मायूसी से निकालना और उनको मुस्तकबिल का लाए अमल देना। उस हवाले से मैं चूँकि पढ़ाती भी रही हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर रही हूँ, दूसरे मेरे लेक्चर्स भी होते हैं, कुरान की तफसीर के भी होते हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजलिस भी पढ़ती हूँ, और ये मेरा लंदन में भी मेरे लेक्चर्स होते हैं और अमेरिका में भी और बहरीन में भी, सब जगह जाते हैं। आजकल तो ये पेंडेमिक के बाद जूम की जो सहूलत आई है, जिसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है। तो मेरी अपील आपके प्रोग्राम के तवसुत से ये होगी नौजवानों को, ख़ासतौर से अपने हमारे मुल्क के नौजवानों को, कि जो मायूसी आप लोगों पर छाई हुई है, मुझे नहीं पता, मैं किसी सियासी लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को उससे निकालने के लिए मेरी फाउंडेशन में जो पीस एंड हार्मनी का जो SPG है, उस हवाले से मैं ज़रूर आपको अपील करूँगी कि आप लोग हमारी बातें सुने। हम जो लाए अमल आपको देना चाह रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए और टेक्निकल तरक्की के लिए, काम करने के लिए, उम्मीद के लिए, बिजनेस के लिए, वो ज़रा बातें हमारी सुने, हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। मेरा एक ऑफिस है, सारा फाउंडेशन का ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में, बल्कि इसके बाद मेरी वहाँ मीटिंग है, मुझे वहीं जाना है, तो वो ऑफिस खुला हुआ है, आप लोग मशवरा लें, आएँ, आप ट्रेनिंग लें, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, हर किस्म की हो, तो हमारे साथ वाबस्ता हो, फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हो, तो आपको यकीन करें कि आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू माशाल्लाह, इतनी अच्छी बात आप करती हैं कि दिल नहीं चाहता कोई दूसरा क्वेश्चन के ज़्यादा सुनते ही जाएँ। एक इसी से रिलेटेड सवाल था कि किसी भी शख्सियत की परवरिश का एक बड़ा अहम किरदार होता है, किसी भी को परवान चढ़ाना। अली रज़ा भाई जो थे, उनकी इतनी प्यारी शख्सियत थी कि मैं बड़ा इस बात को मैं बड़ा खुश नसीबी समझता हूँ कि मेरी उनसे कॉन्टेक्ट रहते थे। और तो ये बताइए कि वो किस तरह से आपने तरबियत की कि इतना प्यारा माशाल्लाह बेटा आपका परवान चढ़ा। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को बताएं कुछ। जी, ये अली रज़ा मेरे लिए अल्लाह ताला का वो तोहफा था
कि जिसकी सही मानों में कदर व मंजिलत उसके जाने के बाद मुझे महसूस हुई, क्योंकि जब वो था इस ज़मीन पर तो मैं एक हेलीकॉप्टर की तरह से, जैसे कहते हैं ना हेलीकॉप्टर मॉम, जो 24 घंटे निगरानी, हालांकि माशाल्लाह बड़ा बच्चा हो गया था, मगर मेरा उसके साथ कुछ रابطہ, कुछ इस किस्म की मोहब्बत और वो थी कि मुझे ये फिक्र रहती थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि कहीं ये रास्ते से ना हट जाए, कोई डगमगा ना जाए, कोई गलती ना कर दे, कोई मायार से गिरी हुई बात ना हो जाए। तो बल्कि वो हंसता था, कहता था यार अम्मी आप हर वक्त जो हैं वो यहाँ क्यों गया, वहाँ क्यों गया, इससे क्यों बात की, ये क्यों किया, वो क्यों किया। आखिरी वक्त तक, यानी कि जब वो टीवी पे बैठकर बात भी कर रहा होता था ना, और अगर कभी वो होता है ना कि कुर्सी रोटेट कर रही है तो वो यूं यूं, तो मैं उसको मैसेज भेजती थी कि सीधे बैठो, ये कुर्सी क्यों रोटेट कर रहे हो, तो वो कहता जी 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 ओके। अभी तक मेरा उससे अच्छा, घर में चुके वो रहता नहीं था, इतनी मसरूफियत थी, खिदमत करता था, तो मेरा उससे व्हाट्सएप पे रहता था, क्या किया, कहाँ, खाना खाया, कब घर आ रहे हो, अच्छा जी जी, और घर के मामलात भी डिस्कस करने, बच्चों के भी, वो सब उससे रहते। उस दिन भी आखिरी मैंने उसको 6 बजे मैसेज भेजा कि हम लोग खाने पे जा रहे हैं और 8:30 बजे तुम आ जाओ हमारे साथ। तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि सॉरी अम्मी, मैं बच्चों को लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी बेटी अगले दिन अमेरिका जा रही थी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। तो कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आज मैं बच्चों को खाने को लेके जा रहा हूँ। तो मैं बस मैं एक बात कहूँगी कि उसके साथ जो मेरा रब्ता था ना, और वो जो होता है ना कि एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो नहीं कटती थी, लगता था कि वो थी साथ, और जैसे मेरे कुछ दिल का टुकड़ा कोई दिल में से निकल के ज़मीन पे घूम फिर रहा था हर वक्त मैं उसके साथ। दूसरे बच्चे भी मेरे मुझे कहते हैं अम्मी आप रजा भाई, बस आपके फेवरेट हैं आप रजा भाई, रजा हर वक्त ये करती रहती हैं और सबसे ज़्यादा प्यार आप रजा। तो अल्लाह ताला आजमाता भी फिर उसी से है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत। एक प्रोग्राम था अब तक टीवी पर, एक प्रोग्राम किया था मदर्स डे पे, आपने शायद देखा होगा वो, उसमें एक एंकर ने पूछा कि आप आज दुनिया को बता दें कि आप अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो आप प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, जब उसने कहा कि कोई तावीज़, कोई दुआ जो है ना उसमें इतनी ताकत नहीं है जितनी मेरी अम्मी की दुआ में। और उस वक्त उसने एक अजीब सी बात की थी, मैं बहुत हैरान हुई, कहने लगा कि बस मुझे, मेरा ये दिल चाहता है कि हम दोनों साथ जाएं, ऐसा ना हो कि मुझे मेरी अम्मी का गम देखना पड़े। तो मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकती, और जो मैं कर रही हूँ और जो अल्लाह ताला मुझसे करवा रहा है, ये मैं समझती उसी मोहब्बत का परताव है, उसी मोहब्बत की ताकत है, उसी मोहब्बत की एनर्जी है, उसी मोहब्बत की पाकिजगी है कि जो मैंने अपने सब बच्चों के साथ की। और ये चूँकि मेरा सबसे पहला बच्चा है, सबसे फर्स्ट बॉर्न है, तो इसके साथ तो मेरा ये था कि पूरे हर चीज़, सारी खुशी, सारी ज़िंदगी, सारी तवनाइयाँ, सारी एनर्जी जो थी इसके लिए, और हर वक्त इसके साथ में लगी रहती थी। छोटा सा था तो अम्मी ये देखें, अम्मी मेरी गाड़ी देखें, अम्मी मेरी गाड़ी कहाँ चली है, अम्मी मैं ये देखें, अम्मी ये देखें, हर वक्त वो यही चाहता था कि मैं उसके सर। और जब मेरे दूसरे बच्चे पैदा हुए तो इतना वो मुझसे प्यार करता था कि छोटी बच्ची जब थी तो मुझे कहता था आप दोपहर को सो जाएं, मैं इसको रख लूँगा। 5 साल की उम्र में, 5 साल का बच्चा, और अपनी बहन को देखता था, बेबी सिटिंग करता था कि आप थकी हैं आप सो जाएं, मैं इसको देख लूँगा। और दूसरे बहन भाइयों के लिए भी जो था ना, वो इतना प्रोटेक्टिव था इस हवाले से, मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। और मैं नहीं समझती कि कोई भी नौजवान लड़का इतनी तनकीद बर्दाश्त कर सकता है जितनी उसने की, जो मैं उस पर करती, हर वक्त हर चीज़ में मैं जो उसको दिखाना रहा। अब बच्चे नहीं करते आमतौर पे, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वो इतना फर्मा बरदार था कि मैं उसको जो सख्त से सख्त बात कह दूँ, मगर कभी मजाल है जो कि उसने कोई उफ भी की हो और हंस के और वो करके। अच्छा, और एक मज़ेदार बात यह कि माशाल्लाह हाथ बहुत खुला हुआ था, पैसे वैसे सबको बांटता रहता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था। तो मैं कहती तुम सारी दुनिया को इतने पैसे देते हो, चैरिटी भी करते हो, अम्मा को भी तो कभी कुछ दिया करो। यार अम्मा को कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मा को ज़रूरत नहीं है, ये जिसको ज़रूरत है मैं उसको देता हूँ, अम्मा के पास खुद है। अच्छा, यहाँ तक के असेंबली से उसको मेडिकल मिलता था, पेरेंट्स का मेडिकल मिलता था, बच्चों का मेडिकल मिलता था, अपना मेडिकल मिलता था लीगली। आज तक जो उससे मुझे कोई पैनाडोल की गोली भी ला के दी है, तो मैंने कहा बेटा मैं इतनी मेरी दवाइयों पर ख़र्चा आता है,
तो कभी तो तुम मेरी, आपको क्या जरूरत है, आपके पास अल्लाह ने दिया है ना, आप खर्चा करें, अपना खर्चा करें ना आप, ये क्यों, मैं तो नहीं, ना वो खुद लेता था, ना अपने बच्चों के लिए, ना मेरे, कोई नहीं, और अपनी जेब से सब खर्च करें। ये मिसाल ऐसी उसने कायम की है। अब ये बताइए, इस मुल्क में ऐसे लोगों को घर के दरवाजे पर गोली मार के जो शहीद कर दिया जाए, तो आगे आप खुद समझ सकते हैं कि अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि एक अच्छे, आपने तो एक पहलू बताया, और जो उनको जानता है वो एक अच्छे दोस्तों के भी दोस्त थे, और जिसके साथ उनकी एसोसिएशन थी, जिससे भी हम पूछते थे या पूछते हैं आज भी, तो यही कहते हैं कि मुझसे अच्छा तो कोई दोस्त ही नहीं था उसका, तो वो सबके साथ इतने क्लोज थे। बेशक कोई ऐसी चीज़ या शिकायत तो नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके सामने उसका जवान बेटा घर पे शहीद कर दिया गया हो, लेकिन हुकूमत के लिए कोई ऐसा, कोई शिकायत है आपके दिल में या कोई ऐसी चीज के जो, ताकि आगे आइंदा कभी ऐसी किसी और के साथ ना हो? जी हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं कहना चाहती हूँ कि 3 साल होने को आए, सबसे पहली बात तो ये कि चालान ही गलत, जिन्होंने FIR काटी और जो चालान बनाया ना पुलिस ने, वो गलत बनाया, और उस चालान की बुनियाद पे जो मुकदमा चल रहा है उसमें जाहिर है कि वो सकम मौजूद है। आज तक किसी नतीजे पे वो मुकदमा नहीं पहुंचा। अच्छा, जिन लोगों को पकड़ा है या जिन लोगों के वो हमारा जो मुकदमे पे उनके आते हैं, कहना चाहिए कि वकील आते हैं और वो आते हैं, ये वो लोग हैं जो रेकी कर रहे हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जो दो मोटरसाइकिल पर बैठे थे, दोनों हाथों में पिस्टल थी उसकी, उनका इन्होंने हमें कोई अता पता नहीं दिया। पुलिस ने अपना प्रॉपर काम नहीं अंजाम दिया, ना उन्होंने प्रॉपर चालान बनाया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ कसूर ये था कि वो आउटस्टैंडिंगली निज़ाम जुल्म को चैलेंज करता था, और वो अपने हिसाब से अपने लोगों की खिदमत करना चाहता था, गरीबों के साथ खड़ा था, और अवामुन्नास के लिए वो काम कर रहा था, और ये खौफ हुआ अरबाब इख्तियार को कि वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा तो हमारे हाथ से कराची निकल जाएगा। माफ़ कीजिएगा, कराची आपके हाथ में अभी भी नहीं है, और आप जो है ना, और मेरे जैसी माएँ, बहुत बहुत माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे उनके हाथ से चले गए हैं, लेकिन क्यों नहीं उठी वो। मैं आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए से मैं ये उनको पैगाम देती हूँ, उन माओं को जिनके नौजवान बच्चे उनसे छीन लिए गए, आपको उठना चाहिए था, आप उठती, आप आवाज़ बुलंद करती, और अभी भी उठें और आवाज़ बुलंद करें। जो बेगुनाह बच्चे शहीद हुए हैं, तो कातिलों के हौसले पस्त होंगे ना, वरना कातिलों के हौसले तो इतने बुलंद होते रहेंगे कि किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी। तो अगर अदल का निज़ाम कायम करना है इस मुल्क में, जो आपने अल्लाह के नाम पर हासिल किया था, तो अरबाब इख्तियार भी अपनी आंखें खोलें, अहले कलम भी अपने कलम को ज़रा ज़िंदा करें, अदलिया भी अपने आप को ज़रा थोड़ा सा देखे, और उसके बाद निज़ाम को तब्दील करें। ये जो निज़ाम चल रहा है ना, गोया कुछ हुआ ही नहीं, अली रज़ा आप्टी को शहीद कर दिया गया, सब काम उसी तरह चल रहे हैं, पार्लियामेंट भी उसी तरह चल रही है, सेनेट भी उसी तरह चल रही है, एक लाइन का कोई ताज़ियती पैगाम दे दिया, बस ख़त्म, काफ़ी। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जाता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबिया बाजी आपका कि आप आई, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया हमारे चैनल को। इसी के साथ ही नाजरीन, आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम, एक नए गेस्ट के साथ आपका होश इजाजत पर हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।